नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शहला राव। राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलजार सलमानी ने एसबीडी अस्पताल में एक्सरे व अल्ट्रासाउंड के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर गजेंद्र सिंह पर आरोप लगाया कि वे एक्सरे व अल्ट्रासाउंड करने के नाम पर 10 से 20,000 रुपए लिए जा रहे हैं और लोगों के साथ अभद्रता भी की जा रही है। गुलजार सलमानी ने मुख्यमंत्री से उन्हें हटाए जाने की मांग की। सहारनपुर से आरिफ अंसारी के साथ महेश कुमार की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर गजेंद्र सिंह के ऊपर जो आपने आरोप लगाया है, मुख्यमंत्री से उसे हटाने की मांग की है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं जो ये डॉक्टर गजेंद्र सिंह के विषय में जो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ कंप्लेंट की है, वो सीधा ग्रामीण गरीबों से जुड़ा हुआ मसला है। ग्रामीण लोगों में अक्सर बड़े फसाद होते रहते हैं और ये गजेंद्र सिंह अस्पताल में पैसे की दलाली करके उनका फर्जी मेडिकल करा के कई लोगों को जेल भिजवा चुका है, फर्जी निर्दोष लोगों। जब मुझे पता लगा, मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से बात की कि भाई तुम्हारे खिलाफ मुकदमे जो मेडिकल बना है, हड्डी टूटने का, इसका ये किसने बनाया है, तो ये बताओ उन लोगों ने कि 10-10,000 रुपये, 20-20,000 रुपये लेके ये डॉक्टर गजेंद्र सिंह उसमें करता है।